नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुंडा लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं जिला महेंद्रगढ़ में और मुनाइन गांव है। छोटी सी प्यारी सी बेटी से मिलवाएंगे जिन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं। नाम प्रीति, उम्र मात्र 17 वर्ष, 10 जमा 2 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं। सब एक साथ 2 अटैम्प्ट क्लियर किए हैं, एक साथ 2 यानी कि NDA की तैयारी, साथ में जेई मेंस, और दोनों को क्वालिफाई किया है एक साथ। और मैं आपको बताता चलूं, जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो कभी हार नहीं मानते, जिनके हौसलों में जान होती है वो कभी रुकते नहीं हैं। सिर्फ आत्मा और दिमाग और दिल जगाने की ज़रूरत है। हिम्मत जो हार जाता है वो बैठा रह जाता है, और जो कुछ हौसले जिसके बड़े होते हैं वो कुछ कर जाता है। हम प्रीति के घर पे मौजूद हैं, थोड़ा तस्वीर दिखा देते हैं। आप कहेंगे बहुत बड़े घर की बेटी है ये, तो साहब बिल्कुल छोटा सा घर है, 3 टप्पर का। माताजी पिताजी अनपढ़ हैं और साहब कमाई का कोई साधन नहीं है। छोटा मोटा अपना आधा के आधा एकड़ ज़मीन है इनके पास। अंदर का नज़ारा दिखा दीजिए, और ये मकान भी नीचे पड़ चुके हैं, ये देख लीजिए। लेकिन जिनके हौसले बुलंद होते हैं और जिनके हौसलों में जान होती है वो कभी हार नहीं मानते हैं। प्रीति ने झंडा गाड़ दिया है, पूरे हरियाणा में एक आईना दिखाया है। थोड़ा सा तस्वीर दिखा दीजिए प्रीति के घर की, ऊपर दिखा दीजिए। ये 10 टप्पर है, मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप अक्सर मांग करते हैं कि हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छे जूते नहीं हैं, अच्छे पैंट नहीं हैं, बड़े स्कूल नहीं हैं, हम कैसे पढ़ पाएंगे। प्रीति कुछ कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस बेटी को पता है कि माँ बाप की खुशियाँ और अपने भाई की और मेरी खुद की खुशियाँ यहाँ से मेरे थ्रू होके निकलती हैं। इसको पता है अगर मैं कुछ कर पाऊँगी तो ये खुश होंगे, और इन्होंने अपना टारगेट बनाया है। इस छोटे से 3 टप्पर से निकल के बड़े घर में ये बेटी माँ बाप को लेके जाएगी, उनको खुशियाँ देगी। नाम प्रीति, उम्र 17 साल, 1 साथ 2 जेई मेंस और NDA में क्वालिफाई किया, अच्छे खासे नंबरों से। थोड़ा अंदर का नज़ारा दिखा दीजिए, मकान नीचे हैं, 10 टप्पर के हैं, बहुत पुरानी छाया है। और इनके पिताजी राजकुमार हैं, आधा एकड़ जमीन मधुमक्खी पालन करते हैं। प्रीति, प्रीति नाम जी सर। अच्छा, अभी उम्र 17 साल की है जी सर। चलो प्रीति, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत खुशी हो रही है। प्रीति, अक्सर बच्चे जो देख रहे हैं, अभी आपका जो मकान है काफ़ी पुराना बना हुआ है, लोग डिमांड करते हैं हमें एसी कमरा चाहिए घर पे, स्कूल में एसी चाहिए, 2000 के जूते, 5000 की टाई कोट, और खाने में हमें 200 रुपये रोज़ खर्चा चाहिए तो हम पढ़ पाएंगे। लेकिन आपने सबको दरकिनार कर दिया, आपकी कोई ख्वाहिश नहीं रही, क्योंकि पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है भाई इतना बड़ा आपको लिए कुछ करेगा, तो आपने कभी डिमांड नहीं की माता पिता से? नहीं सर। क्यों नहीं की सर? मुझे भी पता है कंडीशन क्या है, और पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं भी पढ़ सकता है, ज़रूरी नहीं उसके पास एसी का कमरा हो या हर महीने इतने रुपए मिले, हर दिन इतने रुपए मिले। पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता है और कैसी भी कंडीशन में पढ़ सकता है, बस पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। कहाँ से सीखी इतनी प्यारी प्यारी बात? कहीं से नहीं सर, बस पेरेंट्स को देख के ऐसी बातें निकल आती हैं। ये जीती जागती लक्ष्मी है ये बेटी प्रीति, और साहब सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए ये खबर दिखा रहा हूँ। इस बेटी को देख लीजिए, सोच लीजिए, जब आपका मोरल डाउन हो, जब आप सोचें मैं कर नहीं सकता, मुझसे हो नहीं पाएगा, मैं ये कर ही नहीं सकता, ये असंभव है, तो आप इस खबर को ज़रूर देख लेना, ये बेटी कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। हमारे साथ प्रीति बनी हुई है, जिला महेंद्रगढ़ से आते हैं, मुनाइन गाँव है, छोटा सा महेंद्रगढ़ का छोटा सा गांव है। माताजी पिताजी अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बेटी का हौसला, बेटी की उड़ान, बेटी की सोच, बेटी के इरादे इतने ऊंचे हैं कि मुझे कुछ करना है, और कैसे करना है और कैसे होगा ये इसको भी पता नहीं है, लेकिन इसको करना है।
और ये करके रहेगी, क्योंकि जिसके हौसलों में और आग है इसके दिल में सीने में, कि इसको पता है अगर मैं करूँगी तो माताजी पिताजी मेरा परिवार सब कुछ कुशल मंगल होगा। बेटा अभी आप पढ़ रहे हैं तो एक साथ दो नावों पे पैर था, ये कैसे एनडीए जेई मेंस कैसे एक दो नावों? सर ऑप्शन तो रखनी चाहिए ना, तो मेरा मेन टारगेट तो जेई मेंस है वैसे, लेकिन फिर स्कूल वालों ने कहा कि बिटिया एनडीए कर सकती है तो मैंने वो भी कर लिया। तो कभी आपको ये नहीं लगा यार ये दो दो चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगी, कभी इतना बड़ा बर्डन कैसे मैं अपने सिर पे? नो सर, सिलेबस वो ही है तो बर्डन क्या, जब बाकी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा तो पढ़ना नहीं पड़ता, बस वो ही जो पढ़ रहे उसी को पढ़ते रहो, 12th 11th का सिलेबस। कौन सी किताबें यूज़ किया? NCERT की है बस, और प्रीवियस ईयर की है, और बाकी कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा यूट्यूब का सारा लिया? नहीं सर, स्कूल से ही किया जो मैंने किया वो। अच्छा कितने घंटे पढ़ाई करते थे? ज़्यादा नहीं सर, 6 से 10 और सुबह 5 से 7। 5 से 7 सुबह और 6 से 10 रात को? यस सर। रूटीन का? यस सर। तो बात ये है 6-7 घंटे हो जाते? हाँ। इतना पढ़ना जरूरी? इतना तो मिनिमम पढ़ना ही चाहिए, और ज़्यादा पढ़ने से फिर स्ट्रेस आ जाएगा, इरिटेट हो जाएंगे, तो फिर कुछ पढ़ा भी नहीं, मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। अच्छा पुराने ज़माने का टीवी रखा आपका, चलता है? चलता तो है बट मैं कभी देखती नहीं हूँ, क्योंकि ये ज़माना जा चुका है, टीवियों का ख़त्म हो चुका है, ये खाली शो पीस के लिए किसी घर में कभी मिल जाएंगे कूड़े करकट में। लेकिन आपको पता है इस जगह आप बहुत बड़ी LED लगवाने वाले होंगे कुछ बनने के बाद? यस सर बिल्कुल लगवाएंगे। कि पिताजी को कहे क्या कहेंगे, बड़ी LED भी देगा? यस सर, अच्छा सा घर भी बनवाएंगे। ओके, तो हमारे साथ इनके मम्मी इनके पापा बने हुए हैं। तो बेटा मैं एक बात जानना चाहूँगा, आप 6-7 घंटे रोज़ पढ़ते थे, तो शाम को सुबह जैसे आपकी दादी जी आपके साथ होती हैं? हाँ मेरी दादी जी मेरे साथ सोती हैं। तो सुबह कौन उठा? स्टार्टिंग में तो यही उठाते थे मेरे को, बाद में फिर रूटीन बन गया तो अपने आप आग खुल जाती थी। तो बेटा घर का काम क्या करती हूँ? घर का काम कर भी लेती हूँ, नहीं भी करती हूँ। तो काम आते हैं? यस सर, सारे काम आते हैं। अच्छा खेत में जो कटाई होता है लावनी होती है? मैं कभी जाती तो थी लेकिन मेरे पापा मेरे को जाने नहीं देते, कहते थे पढ़ ले बेटा, तो मैं इतनी गई नहीं। कर लेती? हाँ कर लेती हूँ। आता आपको? यस सर। अच्छा खाना बनाना, रोटी बनाना, पोछा मारना, माँ का हाथ बटवाना, गोबर जैसे हाँ कभी मम्मी बीमार हुई या मेरा मन हुआ तो मैं कर देती हूँ। कर सकती? यस सर। कोई हेजिटेशन तो नहीं? नो सर। हाँ मम्मी का हाथ बटाने में हेजिटेशन क्या। तो बेटा NDA और JEE मेंस काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि सब्जेक्ट तो फिर भी पढ़ना तो अलग दो था ना आपको, तो बर्डन तो कुछ तो रहा होगा सर। इतना स्ट्रेस ले बर्डन लेके क्यों पढ़ना कि दो दो कर रही हूँ, एक गेम की तरह पढ़ो ना उसको, इन्जॉय करके पढ़ो तो अपने आप सब कुछ ईजी हो जाएगा। कितनी आसानी से बता रही है छोटी सी गुड़िया। तो आपको दादी माँ नाम रख? नहीं सर। अब दादी माँ की तरफ हम इंटरव्यू करने आए थे दादी माँ का, ये हमारा इंटरव्यू करने लगी। प्रीति दादी माँ कहीं आपको? नहीं सर प्रीति कह लो। चलो प्रीति बोलते हैं, लेकिन स्कूल वाले बच्चे प्रीति दादी माँ कहेंगे आज से। ये ज्ञान बहुत फैलती है। अच्छा ये जो टीचर उनको भी आप ज्ञान सिखाते हो? नहीं सर, उनसे लेती हूँ बस। ओके ओके, चलो उनसे लेती है, बहुत अच्छी बात है ज्ञान। अच्छा बेटा माताजी पिताजी अनपढ़ हैं, क्योंकि 10वीं कोई बड़ी बात नहीं होती, तो ये आपने कहा किसने आपको कि आप इस तरीके से ये टारगेट मेरा मैं बना के चलूँगी, मुझे कुछ करना है, किसने इतना पावरफुल ये दिमाग में कहाँ से, बचपन से ही था? सर पहले तो मेरे भाई मोटिवेट करता था मेरे को, और फिर बाद में स्कूल वालों ने मोटिवेट किया, इन्हीं का कॉर्पोरेशन है मेरे साथ बस। अच्छा भाई ये आपसे बड़ा? हाँ मेरे ताऊ जी का बेटा है। ओके, क्या कहते? वो मतलब अपनी स्टोरी बताता था कि फेलियर्स, उनसे भी कुछ सीखना चाहिए, तो उसने एक बहुत मेरे लिए आइडियल है वो, मतलब मेरा आइडल है वो। अच्छा अभी मुझे ये बताइए, अभी पापा को माँ को कभी तंग भी किया?
नहीं सर। सुकून में जाती जेब खर्चे के लिए सर मैं नहीं लेके जाती। क्या बात है, सलूट करता हूँ इस बेटी को मैं। इनको पता है माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि रोज 100 रुपये लेके हम सुकून में जेब खर्चा लेके जाएं, क्योंकि ज़मीन भी नहीं है। यादव फैमिली है, राजकुमार यादव इनके पिताजी मेरे साथ बैठे हैं, इनसे भी बातचीत की, इनके दादाजी इनके चाचा था वो मेरे साथ बैठे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं साहब ब्रांड अम्बेसडर होते हैं, आने वाले समय कल इनका होगा और दुनिया इनके पीछे और ये आगे होंगे, क्योंकि थोड़ा समय की ही बात है। आप आने वाले समय देख लेना, आप इन लोगों का इंतज़ार करेंगे फूल मालाएं लेके, क्योंकि ऐसे लोग कभी दबाई से नहीं दबते। साहब हीरे को आप कितना भी दबा लीजिए उसकी रोशनी बाहर आ ही जाती है, और ये तो कोहिनूर के हीरे हैं। इस बेटी को बेटा आपको पता है आपसे रास्ता होके निकलता है पूरे परिवार, अगर आपने कुछ नहीं किया तो रुक सा जाएगा थम सा जाएगा। यस सर, तभी तो सर इतना जज्बा आया कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे ये करना है और किया भी और करूँगी भी। तो बनना क्या चाहती हो? इंजीनियर बनना चाहती हूँ सर मैं। उससे आगे हाँ सर, अगर मोटिवेशन मेरा ऐसा ही रहा तो मैं UPSC की तैयारी भी करना चाहती हूँ। बड़ी साथी रह दादी अम्मा प्रीति, क्योंकि कमाई शुरू हो जाएगी, पहले जॉब पकड़ ले इंजीनियर का और उसके साथ हमारी कमाई शुरू हो जाएगी, तो घर वालों का भी खर्चा चलेगा और हमारा भी किताब का, और हम UPSC की तैयारी कर लेंगे। क्यों? यस सर। DC या SP? वो तो सर मेरी रैंक डिसाइड करेगी, तो वो तो देखेंगे क्या बने। तो बेटा उम्र 17 साल, 1-7-2 नाव में पैर। बच्चे कहते हैं नहीं बाबा इतना बड़ा रिस्क तो हम उठा नहीं सकते, नहीं बाबा हम तो मारे जाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, नहीं 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 यार, एक साथ हमारा स्कूल का भी सिस्टम फेल हो जाएगा, पास भी नहीं हो पाएंगे। आपने NDA भी कर लिया, JEE Mains भी कर लिया और सब +2 भी कर लिया आपने, मैं आपका सलूट करता हूँ। ये आग कूट कूट के भरी है। प्रीति बनी हुई छोटी सी गुड़िया। बेटा आपके पिताजी कहते थे बचपन में आपकी माता जी मारती? नहीं सर, कभी बच्चे से याद करते तब तो मम्मी मारेगी, वैसे कभी नहीं मारा मेरे को। तो आप अपने भाई को बहुत पहले सर, भाई बहन के बीच में झगड़ा तो होता ही रहता है ऐसे छोटा मोटा, तो वैसे ही चलता था, अब नहीं होता। तो आप पढ़ाई के लिए मारती नहीं, बस कहती हूँ कि पढ़ लिया अगर। इतनी प्यार से तो नहीं कहती, पढ़ लिख क्या कहती हूँ? कुछ नहीं, बस कहती हूँ एक बार पढ़ लिया अगर, ना पढ़ने का मन करे तो एक बार पापा को देख लिया अगर, फिर पढ़ लिया अगर। क्या बात है, सलूट करता हूँ। दादी हम आपके पैर कहाँ हैं? मैं पैर चुचकारूँ आपके? इस बात में बहुत बड़ी बात बोल के गई है बेटी। अगर भैया पढ़ लिया कर, अगर पढ़ने को नहीं मन करे ना तो पापा को देख लिया कर, या ना कि पापा की हालत जो है वो ही तेरी होगी अगर नहीं पढ़ा तो, क्योंकि पिताजी ने पढ़ाई नहीं की तो ये आगे नहीं बढ़ पाए। अगर BA MA PhD उस समय कर जाते तो बहुत बड़ी जॉब होती। तो ये आपके भाई को ये कहते, इसको पता है ये CD यहीं से होके निकलती है। बेटा आपकी मम्मी आपके पापा से कुछ बात ये सर जरूर? आपकी दादी की तरह सहयोग करती है? वो भी सर पूरा ही सहयोग करती है, मतलब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती, बाकी ठीक है। तो चाय पानी कौन बना के देता है? खुद बना के? मम्मी बना के दे देती है। और दादी? दादी इतनी एज है वो इतना काम नहीं कर सकती। तो दादी कभी ये नहीं कहती आपको बेटा या छोरी बावली होगी पढ़ाई के चक्कर में भीरुण किए पढ़ा ऐसा किताब ले लिया? कहती तो है सर कि ये बस पागल होने वाली है। ये कहती है किताब भी कीड़ा है, बस पूरे दिन पढ़ती पढ़ती रहती है, कुछ काम भी कर लिया कर, बस यही कहती है। बहुत ही प्यारी बेटी है, बहुत ही प्यारी बेटी है ये, और ये कल का हीरा है, चमकता हुआ सितारा है। राजकुमार जी क्या कहेंगे बेटी? क्या कहूँ जी, फूल सी बेटी, इतनी बड़ी सोच। आपके पास बातें नहीं है, इनके पास इतनी बड़ी बड़ी बातें, सारे दिल करते जाइए इनके साथ। मैं तो देख के खुश हो जाता हूँ जी। क्या बात है, आप पढ़े नहीं? नहीं जी। और बेटी को आपने कभी कहा नहीं कि आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है, क्योंकि पढ़ते तो पता चलता? हाँ जी, ये तो सच बात है। तो बेटी खुद अपने आप चयन किया है जी, अपने आप। घर का खर्चा बहुत मुश्किल, ये तो पता ही है जी सभी। तो हमारे साथ प्रीति दादी बनी हुई है, प्रीति छोरी प्रीति बनी हुई है, बहुत प्यारी बेटी है।
वो बहुत ही जहाँ जगह जाएगी वहाँ खुशी ही रहेगा, वो परिवार वो घर हर जगह मुस्कान छोड़ती जाएगी ये बेटी। और वह सलूट करता हूँ इस बेटी के माँ बाप को, साहब रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं है, और मैं आंखों में आंसू आ जाते हैं इस तरीके की स्टोरी, क्योंकि ये बेटी जो जिस हालत में है वो आप कभी हो नहीं सकते जी। क्या कहेगी बेटी को लेके, क्या कहे, बच्चा पढ़ रही है, आंखों में आंसू आ गए हमारी। ये मतलब बेटी आपका पता है ये हीरा? हाँ जी। तो बेटी कहती है कि मेरे मगर रह गई तो मैं चूक जाऊंगी, मेरी माँ को मेरे पिताजी जी को मैं खुशियाँ देना चाहती। आपने सिखाया? नहीं, ये अपने आप ही। आप कम बोलती हो, बेटी इतना बोलती है। मैं से ये है ही बस तो इनके पापा नहीं बोलते, ये आप नहीं बोलती, तो ये इतनी कैसे बोलते? बचपन से ऐसे है। खा के पैदा किया था बेटी को कुछ? क्या रोटी खाते हैं और क्या खा? अच्छा, जिस समय जन्म हुआ उस समय क्या खाया? कुछ नहीं सर, यही सब्जी रोटी लस्सी बस, और कुछ नहीं। तो ये प्रीति है, तीन टप्पर का घर जरूर है लेकिन खुशियों से भरा है, और बेटी भाई को कहती है बेटा पापा को देख ले। अच्छा, भाई आपसे बड़ा है? छोटे हैं सर। छोटे हैं तो मोटिवेशन आपने क्या है? ये तो खुद हो जाती है, वैसे मेरे करने से क्या वो होगा। तो आपने इतना जैसे कैसे मोटिवेशन? देखो जी, मतलब मेरे को भी पढ़ते हुए एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो फेलियर मतलब काफ़ी मिल रहे हैं, तो मेरे मतलब रास्ते पे इतने मतलब इसके सक्सेस में इतनी रुकावट ना आए, तो अभी से ना आए, तो मैं अभी से इसको बता रहा हूँ कि आगे ऐसे फेलियर आएंगे तो हारना मत, या फिर सक्सेस जल्दी मिल जाएगी। तो चेला गुरु बन गया और गुरु गुरु रह गया, क्या लगता है आपका सिखाया वो आपका चेला तो गुरु बन गया और आप इनके पीछे? ये तो अच्छी बात है ना जी। हाँ, खुशी तो होती है, हर एक तो बहन है तो डबल होगी। अच्छा, मुझे ये बताइए आपके साथ? हाँ जी, मैं इसकी बड़ी मम्मी हूँ, वैसे ताई हूँ इसकी, लेकिन ये इसके माँ और मम्मी और पापा ये गुड़गांव डेयरी करते थे, दूध की डेयरी, ये वहाँ पर रहते थे। छोटी सी को मेरे पास छोड़ के गए थे ये, फिर जैसे जैसे इसको जो भी जितना संस्कार देना था वो मैंने अपने हिसाब से, ये पहले तो सबको यही बताती थी कि मैं इस मम्मी की बेटी हूँ। हाँ, मतलब ताई की, ताई कभी नहीं कहती मेरे को, बड़ी मम्मी कहती है। और जब भी इस पर कोई परेशानी आ जाती है ना, या घर वाले ही कुछ थोड़ी सी वो कर देते हैं, तो ये मेरे पास जाके अपना सब कुछ गा देती है, और फिर अब हम हैं अलग लेकिन रहते हैं इकट्ठे बराबर ही। तो आपको पता है बेटी की इतनी बड़ी सोच है, आपसे भी बड़ी सोच है, आपसे भी बड़ी इतनी बड़ी सोच ये सोच इसने ऐसे ही रखी है जी। जैसे भी ये पढ़ती है या कोई थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, तो उन्होंने कहती मम्मी एक दिन देखिए मैं पढ़ लिख के मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी, एक मैं थारो नाम रोशन करके दिखाऊंगी। नाम तो करी दिया। हाँ जी, और ये मतलब ज़्यादा सोच ऐसी रह सक भाई, मेरे माँ बापा ने मैं जितनी हो सके परेशान नहीं करूँ। क्यों बेटा? यस सर। तो मेरे साथ प्रीति बनी उनके पिताजी मेरे साथ। अच्छा, आप कितने काम आ रहे थे? मधुमक्खी का छोटा मोटा काम करते हो आप, जमीन है नहीं तो साल महीने का 10-12-15 बस यही का अपना खर्चा चला लेते हैं, 15,000 के लगभग। तो जो आपकी माता जी हैं वो सुनती है? नहीं, कम सुनता है, बात कर जोर से बोलना जी। दादी जी राम राम। राम राम। बेटी जी ने बहुत बड़ा किया है पता है आपको? तीने बहुत बड़ा नाम किया है आपका। अच्छा भाई, थारो आशीर्वाद। नहीं पूछे इनसे कितनी बार कही है कि छोरी बावली हो जाए किताब धर दे रोज। कितनी बार नु कही है कि छोरी बावली है जाओगी किताब धर दे। कह दे सु मगर करियो। अच्छा, अक्का भाई तो धरिया करो। कह दे सु मड़ पढ़े बहुत ध्यान से, पढ़े ध्यान से। अच्छा, तो ये तस्वीर देख रही थी, फिर तो कुछ और कहना चाहेगी बच्चों को, हिंदुस्तान के सभी लोग आपको देख? हाँ, बस इतना ही कहना चाहूँगी, जो करना है उसको पूरी डेडिकेशन के साथ करो, कभी मोरल डाउन हो जाए तो पेरेंट्स से बात करो, टीचर से बात करो, और उस पर लगे रहो। तो दादी माँ आप बोर हो जाती थी
क्या टीवी देखती थी, यूट्यूब देखती थी, व्हाट्सएप चलाती थी, फ्रेंड से बात करती थी, माँ बाप से बात करती थी, या फिजिकल कोई गेम करती थी, या भाई को गुस्सा मारती थी, या क्या करती थी आप? कभी मम्मी की साइड चली गई, कभी बाहर छोटे बच्चे उनके साथ खेल लिए। ज़्यादा जैसे स्ट्रेच हो गया भाई, नहीं अब तो इससे ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, थोड़ा सा बाहर घूम लें, क्या आपको छोटा सा बच्चा लड्डू है उसको खिलाती है? अच्छा, कभी टीवी गेम मोबाइल ये कभी छुट्टियाँ में देख लिया, वो तो देख लिया वरना नहीं चलाता मोबाइल नहीं सर। वो टीवी नो सर। तो खाली यही है, कभी इस मम्मी के पास, कभी इस मम्मी के पास? यस सर। छोटे बच्चों के? यस सर। और कभी भी भाई को लात गुस्सा भी? हाँ सर, कभी बहन भाई तो झगड़ते हैं। अच्छा, कितनी बार झगड़ा वो तो सर कभी भी हो जाता है उन्हें। अच्छा अच्छा, ये माँ और पिताजी आपके भाई के साइड या आपके साइड? भाई की साइड। पापा मेरी साइड और मम्मी भाई की साइड। अच्छा, मम्मी क्या कहती है? अब तू तो पढ़ती जा, इसने तू बड़ी है, छोटा है ये अभी, मतलब मैं 6 साल की थी, 7 की थी, वो छोटा ही रहेगा अब तो। मम्मी का यही ताना रहता है, वो छोटा है तेरे से तो उसको मत कुछ कहा कर, मत डांट मारा कर, बस यही। तो प्लस टू NDA JEE मेंस 3 अचीवमेंट एक साथ, अब आगे क्या इरादा कॉलेज का? सर JEE मेंस के स्कोर पे मुझे NIT मिलेगी, और अगर JEE एडवांस हो गया तो मेरे को IIT मिलेगी, तो मैं वहाँ जाऊँगी। तो वहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल का कोर्स? हाँ सर, इंजीनियरिंग का, BTech का। तो मम्मी पापा से दूर, दादी दादा से, परिवार से दूर, कैसे लगी? सर सक्सेस होना है तो दूर तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये वो हैं साहब जो पत्थर को मोम कर देते हैं और पहाड़ का में सीना चीर के साहब पानी निकाल देते हैं, उस कैटेगरी में आती है ये बेटी। इसने भाई ने नौजवान ने कहा है फेलियर भी बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, तो बेटा ऐसे। यस सर। तो कभी बाई दे हम चूक जाते हैं तो क्या निराश होता है? वो तो सर थोड़ी देर की निराशा है, बाद में तो अपना काम करना ही है, मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। एक रास्ता बंद होता है तो तीन खुलते हैं, तीन रास्ते खुलते हैं। तो बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब इसको मैंने एक दो अदे रखा है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। भाई पढ़ पढ़ के शेर बनाया करे, सीख ये, मतलब मायूस मत हुआ करे, अगर भाई ये छोटी सी मिस्टेक होगी, छोटा सा नंबर आते रहेगी, लेकिन करो, दोनों बहन भाई तैयारी में फुल लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत जल्दी आप बड़े स्टार बने और फिर हम आपके पास यहाँ पे आएँ और पूरा गांव सम्मानित करें, पूरा जिला आपको सम्मानित करें और बहुत बड़ी कुर्सी को संभालें। आप ऐसे ही चलते रहें और प्रीति दादी ऐसे ही ज्ञान बांटते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सभी का थैंक यू सर। तो मेरे साथ ये प्रीति का परिवार बना हुआ था खास बातचीत में। तो हम मुंडाइन गांव में मौजूद है, जिला महेंद्रगढ़ में। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर लिख डालिए, क्योंकि ये मोटिवेशनल स्टोरी है। इन सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।